मैं चंद बातें रखना चाहूंगा। एक तो हमारे साथी ने बताया ये जो देसा डोडा कपरन रोड, ये बड़ी देराना मांग सभी जो है लोग, ये दो खित्तों को एक जोड़ने की जो है रोड, ये हाईवे होगा, वही ये रोड जो ये बटोत से जो है श्रीनगर ये जो रोड जाता है, एक दिन ये रोड ब्लॉक रहती बंद रहती, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी एक दिन भी ये रोड बंद नहीं रहेगी। ये पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, बड़ी अच्छी जगह है। वही मैं दूसरी बात करूंगा कि ये जो ठाठरी कलोत्रान काल जुगवासर रोड है जो सर इसका प्रोजेक्ट बना है, मैं ये चीजें आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूँ कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है और आप है, जहाँ यहाँ से प्रदेश से हमारे स्टेट से जो ये प्रोजेक्ट बन के जाते हैं, प्रायोरिटी बन के जाती है, लेकिन ये चीजें जब आती है वहां मुझे नहीं पता चलता है कि ये पीछे क्यों रह जाती है। इसलिए जो ये लोगों के जो बुनियादी चीजें हैं, जो बुनियादी जिससे इनको फायदा मिल सकता है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, ये जो एक ये दोनों खित्तों को मिलाने वाली चीज है, ये होनी चाहिए। तीसरा सर, यहाँ पे कुछ लिंक रोड्स हैं, जैसे मैं ये अपने ठंडा पानी की बात कहूंगा, मैं गुंदों की बात करूंगा, मैं खासकर देसा की बात करूंगा, 3-4 प्रोजेक्ट जो ऐसे हैं लिंक रोड जो 10-10 किलोमीटर लोग आज की डेट में पैदल जाते हैं, वो बनाते हैं, हम जाते हैं यहाँ से, लेकिन वहां किस प्रकार से उसकी प्रायोरिटी बनती है ये हमें नहीं पता, वो आज तक भी ये लोग जो है इन चीजों से महरूम है। तीसरा सर, हाई सेकेंडरी स्कूल्स की बात करूंगा, 2-4 हाई सेकेंडरी ऐसी है जिनको हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी बनाया गया है, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बनाया गया है, लेकिन वो आज तक हैंगिंग है, उनकी पोस्टें क्रिएट नहीं हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बड़े दूर दराज के एरिया हैं, जैसे हाई सेकेंडरी मलान है, हाई स्कूल सेंटली है, फिर जो है इधर बलनपुर में है, वहां जो वो स्कीमें सेंक्शन नहीं है, तो लेकिन जहां सेंक्शन है, जहां ये काम चल रहा है, वो नाम मात्र चल रहा है। मैंने पहले भी कई बार बात रखी है, हमारे लोग हम तक आते हैं, वो कहते हैं कि ये फलानी ये जो स्कीम जो है ये वैसे ही वो जो है कुचल में आया, वैसे जो थोड़ा थोड़ा कुटाई करके वो कर रहे हैं, वहां के जो जो फिल्ट्रेशन प्लांट हो या कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूंगा कि इसकी एक प्रॉपर तरीके से एक इंक्वायरी होनी चाहिए, टीम बनाई जाए हर जो स्कीम है, क्योंकि ये बहुत अरसे के बाद जो ये स्कीम हमारी प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। और इस बात से मैं सहमत हूँ कि ये एक अभूतपूर्व योजना है और ऐसी 30 साल तक नहीं आनी है, तो हमें जो भी व्यवस्था करनी है कम से कम 30 साल तक के लिए मुतमैन होनी चाहिए। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हेल्थ में वास्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपने देखा यहाँ पर जो फैसिलिटीज टर्शियरी केयर में भी आ रहे, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, आपका एम्स यहाँ पर 2 एम्स आ रहे हैं, बहुत सी फैसिलिटीज जो कि सोच भी नहीं सकते थे आप, वो यूटी में आज की तारीख में आ रही हैं और उसका लाभ सभी को मिलता है। और एक बात हमको ये भी समझनी होगी कि चीजों में समय लगता है, कि जितना भी ज्यादा नहीं, जो हमारा फिलेसा का एरिया है, गई का देसा का एरिया है, या डोडा लाल ग्रामन जाल ग्राम, ये है दर्जनों सारे हमारे सपाट हैं सब, जहाँ पे गवर्नमेंट को जब ये आप डेजिग्नेट करेंगे बेकारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जवान इनके साथ जुड़ेंगे और बेकारी इससे खत्म होगी, जो एक बेनिफिट मिल सके। सर दूसरा हमारा पॉइंट है, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है एक देसा कपरा रोड, जो अगर हम यहाँ से कश्मीर जाते हैं हमें लगभग 225 किलोमीटर डोडा बस स्टैंड से लाल चौक तक जाना पड़ता है। अगर हमारा डोडा कपरा देसा रोड को तैयार किया जाए, हमारा सर डोडा से लेकर 139 किलोमीटर सिर्फ लाल चौक बन जाता है, उससे हमारा एजुकेशन हो, चाहे उसकी मेडिकल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। और सबसे बड़ी बात है, जो वैष्णो माता देवी से टूरिस्ट आ सकते हैं, वो कल घूम के यहाँ से अगर जम्मू का रास्ता कश्मीर का रास्ता बंद हो तो उनको आसान तरीका है यहाँ से, और बिल्कुल कम वक्त में आपकी यात्राएं जितनी भी हमारी है उनको फायदा मिलेगा और यहाँ से कम वक्त लगेगा, और ताकि जो हमारे बाहर से यात्री आते हैं उनका कोई नुकसान ना हो, उनको फायदा हो, उनका वक्त जाया नहीं हो। इसके अलावा सर हमारा एक बहुत एरिया है, मैंने आपको बता दिया ना पैसा, तीसरी साल लेट है, आई नो हेजिटेशन इन सेइंग सर, आरएनबी में तीसरी चीज गुजारिश है सर ये कि सिर्फ एक नबार्ड में हो रहा है, 3 साल से हम मुसलसल हमारी डीपीआर सेक्रेटरी में बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा में सबसे कम कनेक्टिविटी है,
अप्रूवल के लिए पड़ी है, नहीं हो रहे बच्चों का, बहुत इससे भला होगा आप लोगों के माध्यम से। थैंक यू सो मच। डोडा के भ्रमण में हम लोगों ने आज इंटरेक्शन किया है डीडीसी के मेंबर से, सिविल सोसाइटी से, ऑफिसर्स से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और सभी विभागों की जो स्कीम्स चल रही हैं, जो यहाँ पर इस समय जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में, उनके कवरेज के बारे में जो है वो चर्चा की गई, और जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी प्रस्तुत किए गए हैं, उनके बारे में भी विचार किया गया है, अधिकारियों से भी विचार किया गया है, और इनको जो गवर्नमेंट लेवल पे पुश करना है वो भी किया जाएगा। आपने देखा है कि सभी क्षेत्र में बहुत प्रगति हो रही है, बहुत विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। जो गवर्नमेंट है वो ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, सिस्टमेटिक तरीके से हर एक चीज़ को अप्रोच कर रही है, और गवर्नमेंट जो है वो प्रत्येक नागरिक के द्वार पर जा रही है। आपने देखा बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि जैसे ब्लॉक दिवस है या ग्रीवियंस का है या विकसित भारत यात्रा है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए हैं जिसमें कि गवर्नमेंट जो है खुद चल के जा रही है सिटीजन के पास, उनके घरों पर, और साथ ही साथ में ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो इतनी अधिक संख्या में अब आ गई हैं कि कोई भी व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ ही साथ इस सब में हम लोगों ने ज़्यादातर सर्विसेज में एक पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंतर्गत एक समय सीमा भी निर्धारित करी है जिसमें सब काम किए जा सकते हैं। तो जो यहाँ की पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है, और आगे आने वाले समय में हम लोग साथ मिलकर वी विल इंश्योर दैट द प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट डोडा is able to fulfill all its potentials. Thank you. हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमेशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में भी चर्चा हुई है, उसको हम लोग जल्दी उसका सलूशन ढूंढ रहे हैं। 170 बेडेड हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपकी डीसी ऑफिस की बिल्डिंग अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। वही तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं और उनको एक्सपेडाइट किया जाएगा। जो मुख्य समस्याएं जैसे आपने बताया हॉस्पिटल की है या मेडिकल कॉलेज अभी है, बहुत सारी नई व्यवस्थाएं भी शुरू हुई हैं तो उनको मुकम्मल होने में कुछ समय लगता है, लेकिन जल्द से जल्द किया जाएगा। मीडिया की सर काफ़ी डिमांड्स रहती है जब भी यहाँ पर आते हैं, हमारी भी कुछ अपनी डिमांड्स होती है, बहुत टाइम से प्रेस क्लब की यहाँ पर डिमांड किए जा रहे हैं और अभी तक प्रेस क्लब हमें यहाँ पर नहीं है। जब भी यहाँ पर पहले कोई ठीक है, आपने हमारे बात को रखा है तो फिर अभी बात कर। सर NRHM काफ़ी देर से विवादों में है, मतलब अपनी डिमांड्स लेके हैं। देखिए ऐसा है, NRHM भारत सरकार की एक स्कीम है जिसने पूरे आपके हेल्थ केयर लैंडस्केप को बदल दिया है, तो समस्याएं तो जो आती हैं उनका निदान भी किया जाता है। सर ड्यूरिंग मीटिंग एक बात हुई,